नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो मॉक टेस्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। कंटेंट इंग्लिश में है, डिस्कशन हिंदी में किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ ऑफन इज द इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ द एसीजे बाय जेई ऑब्लिक एसएससीपीवे कंडक्टेड एक्सक्लूडिंग इंचार्ज और सेक्शनल इन रेलवे मेंटेनेंस, अर्थात जेईपीवे अथवा एसएससीपीवे के द्वारा, जो कि इंचार्ज और सेक्शनल नहीं है, उनके द्वारा कितने दिनों में एसीजे का इंस्पेक्शन किया जाता है। और दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब है वंस इन 15 डेज। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच एन अप्रोचिंग ट्रेन शुड बी विजिबल टू अवॉइड सेंडिंग आउट अ ट्रैक मेंटेनर विद हैंड सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द रेलवे गाइडलाइंस, यानी रेलवे के नियमानुसार कितनी दूरी तक न्यूनतम दिखाई न देने की स्थिति में, अगर उतनी दूरी तक दिखाई नहीं देता है तो ट्रैक मेंटेनर को हैंड सिग्नल के साथ भेजना पड़ता है। तो वह मिनिमम डिस्टेंस की विजिबिलिटी क्या है कि अगर उतनी दूर तक दिखाई अगर न दे तो हमें ट्रैक मेंटेनर को, एक एक्स्ट्रा ट्रैक मेंटेनर को विजिबिलिटी के लिए भेजना पड़ता है, एंड दैट इज 600 मीटर्स। हु इज मिनिमम रेलवे अथॉरिटी टू स्टार्ट पेट्रोलिंग ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब कभी भी काफी तेज बरसात हो जाती है तो उस कंडीशन में वह कौन सी मिनिमम अथॉरिटी है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से, जो कि पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए अधिकृत है। और इसका सही जवाब है मेट। हाउ फार शुड रेलवे पर्सनल एग्जामिन द ट्रैक व्हेन अ किंक इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी नियमों के अनुसार से गर्मी के दिनों में जब कहीं पर किंक दिखाई देता है तो जो रेलवे पर्सनल वहां पर जा रहा है एग्जामिन करने के लिए या जिसने देखा है, वह उस लोकेशन से कितनी दूरी तक इंस्पेक्शन करेगा उसके दोनों तरफ, एंड दैट इज 100 स्लीपर्स। अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच ग्रुप डज अ सेक्शन ऑफ रेलवे बिलोंग्स टू इफ इट हैज द पोटेंशियल फॉर स्पीड अप टू 110 km/h। रेलवे में रूट क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से या ग्रुप क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से उस रूट को किस ग्रुप में वर्गीकृत किया जाएगा जहां की जिस सेक्शन की स्पीड पोटेंशियल 110 km/h तक हो सकती है, एंड दैट इज ग्रुप डी। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द 60 kg 60 even rail, यहां पर पूछा गया है कि 60 kg में जो 60 even rail है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। तो 60 kg 60 even का क्रॉस सेक्शनल एरिया 60 kg 60 UIC से थोड़ा कम होता है, तो आपको यहां पर जो सही जवाब है वो है 76.70 square centimeter। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ डेविएशन बिटवीन द प्राइम क्वालिटी रेल एंड इंडस्ट्रियल यूज रेल, प्राइम क्वालिटी रेलों में और इंडस्ट्रियल यूज रेलों में दोनों में मुख्य अंतर किन बातों का होता है। तो इसका सही जवाब है टॉलरेंस फॉर द पैरामीटर्स, उनके पैरामीटर्स में सिर्फ टॉलरेंस में अंतर होता है, बाकी किसी प्रकार का उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। विच कलर कोड यूज टू पेंट वेव ऑफ रेल टू डिनोट 880 grade rail, 880 ग्रेड रेलों को बताने के लिए रेलों के वेव में कौन सा पेंट लगाया जाता है। और इसका सही जवाब है कि इसमें कोई पेंट नहीं लगाया जाता है, अर्थात नो कलर। विच आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीएसए स्लीपर फॉर द प्लेन ट्रैक, प्लेन ट्रैक के लिए पीएसए स्लीपर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो स्पेसिफिकेशन दी गई है, वो किस आईआरएस स्पेसिफिकेशन में दी गई है। और इसका सही जवाब है IRS T39। व्हाट मार्किंग इज यूज्ड ऑन पीएससी स्लीपर सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किट आफ्टर टेस्टिंग देम फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, अर्थात वे पीएससी स्लीपर जो कि ट्रैक सर्किटेड के लिए फिट पाए जाते हैं, उन पीएससी स्लीपर पर कौन सी मार्किंग की जाती है, एंड दैट इज FTC, फिट फॉर ट्रैक सर्किट। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ नायलन कॉर्ड रीइंफोर्स्ड GRSP यूज्ड इन द रेलवे,
तो नायलन कॉर्ड रीइन्फोर्स्ड जीआरएसपी जो यूज होती है उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है या मोटाई कितनी होती है, एंड दैट इज 6 mm. व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ क्लीन बैलास्ट कुशन रिक्वायर्ड अंडर द रेल सीट ऑफ पीएससी स्लीपर फॉर मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस. मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस में, या इसे सिंपली समझ सकते हैं कि टैंपिंग के लिए जो मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड है क्लीन बैलास्ट कुशन का, वो कम से कम कितना होना चाहिए तभी टैंपिंग की जा सकती है, एंड दैट इज 150 mm, 150 mm. हाउ ऑफन सो डीप स्क्रीनिंग बी परफॉर्म्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द बैलास्ट रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट एंड प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड सेक्शन विद स्क्रीनिंग डन अंडर द स्लीपर एज वेल. जब कभी भी डीप स्क्रीनिंग करना होता है तो बैलास्ट की क्वांटिटी पता करने के लिए बैलास्ट की रिक्वायरमेंट को असेस किया जाता है स्लीपर के नीचे पूरी तरह से खुलाई करके और उसकी स्क्रीनिंग करके. तो ये जो चेक किया जाता है ये कितनी दूरी पर किया जाता है, तो ये तकरीबन हाफ किलोमीटर से एक किलोमीटर पर दूरी पर किया जाता है. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट पर मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर ए सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक इन स्ट्रेट सेक्शन में बैलास्ट कुशन इज केप्ट 250 मीटर. बैलास्ट प्रोफाइल में जब कभी भी बैलास्ट का कुशन 250 मिलीमीटर रखा जाता है तो उस कंडीशन में 1 मीटर में कितने बैलास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज 2.03 क्यूबिक मीटर्स. व्हाट इज द साइड स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ LWR बीजी ट्रैक. बीजी ट्रैक के LWR फॉर्मेशन में साइड स्लोप कितना रखा जाता है, एंड दैट इज 2:1. इन स्टैंडर्ड प्लेट गर्डर्स व्हेन कैम्बर इज प्रोवाइडेड. स्टैंडर्ड प्लेट गर्डर्स में कैम्बर का प्रोविजन कब किया जाता है, तो जब कभी भी स्पान अगर 30.5 मीटर से अगर ज्यादा हो तभी कैम्बर का प्रोविजन किया जाता है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ गार्ड रेल टू बी बेंट सो एज टू ब्राउट टूगेदर एट द मिडिल ऑफ द ट्रैक. उस लंबाई को गार्ड रेल की, उस लंबाई को जिसको मोड़ा जाना है जिसको कि मिडिल में लेकर के, तो उसकी लंबाई कितनी रखी जाती है जो मुड़ी हुई रेल होती है, एंड दैट इज 4875 मिलीमीटर. व्हाट इज द ड्राइंग नंबर फॉर द वाइडर स्लीपर कैपेबल ऑफ होल्डिंग 52 kg. निम्नलिखित में से कौन सा वो वाइडर स्लीपर है जो कि 52 kg रेल को होल्ड करने की क्षमता रखता है, एंड दैट इज 8746 RT. व्हाट इज द ड्राइंग नंबर फॉर द एंटी थेफ्ट ERC. एंटी थेफ्ट ERC का ड्राइंग नंबर क्या है, तो एंटी थेफ्ट ERC का ड्राइंग नंबर है RT 6254. न्यू रेल्स टू बी वेल्डेड शैल कन्फर्म टू द टॉलरेंस स्टिपुलेटेड इन द स्पेसिफिकेशन. जब भी नई रेलों को वेल्ड करना होता है तो उनके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी परमिटेड जो टॉलरेंस है, परमिटेड वेरिएशंस हैं, वो किस स्पेसिफिकेशन में दिए गए हैं, एंड दैट इज T12. हाउ मेनी पोर्शंस ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल्स आर इग्नाइटेड एट अ टाइम इन अ पिट अवे फ्रॉम द स्टोर्स. यहाँ जो बात की गई है, यहाँ पोर्शन का मतलब हो गया वेल्डिंग पोर्शन की बात की जा रही है, तो हाउ मेनी वेल्डिंग पोर्शन ऑफ द रिजेक्टेड मटेरियल आर इग्नाइटेड एट अ टाइम, एंड दैट इज 5 पोर्शंस. अ थर्मिट वेल्डिंग डन इन सीटू शैल बी जॉगल्ड फेस प्लेट विद 2 क्लैंप्स एंड सपोर्टेड ऑन वुडन ब्लॉक्स ऑफ लेंथ. जब भी कभी नया वेल्डिंग किया जाता है तो उसे जॉगल्ड फेस प्लेट लगा करके उसे वुडन ब्लॉक से सपोर्ट कर दिया जाता है, तो वो उस वुडन ब्लॉक की लेंथ कितनी होगी, एंड दैट इज 300 to 450 mm. जॉगल फेस प्लेट विद क्लैंप्स और 2 फॉर इन बोल्ट्स ऑन गुड 80 वेट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन बैंक्स हैविंग हाइट ऑफ. जॉगल फेस प्लेट जो कि क्लैंप के साथ जोड़ा जाएगा या तो 2 फॉर इन बोल्ट के साथ है, जब कभी भी नए वेल्ड के ऊपर जोड़ा जाता है तो ऐसा कब रखा जाता है, बैंक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी बैंक की ऊंचाई, कितने से ज्यादा बैंक की ऊंचाई हो तो जॉगल फेस प्लेट के साथ अच्छे वेल्डों पर भी जॉगल फेस प्लेट का प्रोविजन किया जाएगा, एंड दैट इज 5 मीटर और मोर. इन सर्विस पेंटिंग दैट इज मेंटेनेंस पेंटिंग ऑफ थर्मिट वेल्ड शुड बी कैरिड आउट विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी. मेंटेनेंस पेंटिंग, थर्मिस बिल्डिंग का मेंटेनेंस पेंटिंग या इन सर्विस पेंटिंग जो होती है वो कितने समय के बाद की जाती है, एंड दैट इज 1 in 4 years इन एरियाज नॉट प्रोन टू कोरोजन. जहां जिन एरिया में कोरोजन नहीं होता है उन एरिया में 4 साल में 1 बार बिल्ड की पेंटिंग की जाती है. व्हेन शुड द गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट बी डन इन SWR once a year.
शॉर्ट वेल्डेड रेल पैनल में साल में गैप सर्वे जो किया जाता है या एडजस्टमेंट गैप सर्वे करके किया जाता है वो कब किया जाता है, यानी किस महीने में किया जाता है, एंड दैट इज फरवरी। व्हाट इज द परमिसेबल अमाउंट ऑफ क्रीप इन SWR? SWR में क्रीप की अधिकतम सीमा क्या है, एंड दैट इज 150 मिलीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रेल पोर्शन दैट इज कट एंड रिमूव्ड फॉर रीवेल्डिंग इन केस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन द SWR? जब कभी भी SWR में कोई फ्रैक्चर होता है तो मिनिमम लेंथ हमें कितना कट करना चाहिए, एंड दैट इज 5.5 मीटर। व्हाट इज द परमिसेबल कर्वेचर फॉर लॉन्ग वेल्डेड रेल विद 60 kg/m रेल ऑन PSA स्लीपर विद 1660 स्लीपर डेंसिटी इन टेम्परेचर जोन 1 और 2? टेम्परेचर जोन 1 में कितनी डिग्री तक का, कितने डिग्री के कर्वेचर में हम LWR डाल सकते हैं यदि वहां पर 60 kg के रेल और 1600 स्लीपर डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है और यह PC की परमिशन से भी किया जाता है, सो दैट इज 6.5 डिग्री। व्हाट इज द मिनिमम रेल सेक्शन रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन द लॉन्ग वेल्डेड रेल? लॉन्ग वेल्डेड रेल में सबसे मिनिमम सेक्शन की रेल कौन सा प्रयोग की जा सकती है, एंड दैट इज 52 kg/m। What type of insulation is used for track circuiting in LWR and continuous welded rail? LWR और CWR में track circuiting में कौन सा insulation यानी कौन सा glued joint इस्तेमाल किया जाता है, and that is G3L type. What is the time taken for a dial-up thermometer to reach a steady recording of the rail temperature? रेल टेम्परेचर को सही ढंग से माप करने के लिए डायल टाइप थर्मामीटर को कम से कम कितनी देर तक लगा रहना चाहिए, एंड दैट इज 8 मिनट्स। इन टेम्परेचर जोन मैप टेम्परेचर ऑफ ए लोकेशन इज गिवन बाय 65/35। व्हाट इज द मीन रेल टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस? तो अगर किसी टेम्परेचर मैप पर लोकेशंस पर इस ढंग का दिया हुआ हो 65/35, तो ब्रैकेट के अंदर में दिया गया जो नंबर होता है वो हमेशा मीन रियल टेम्परेचर को डिनोट करता है, सो 35 डिग्री। व्हाट इज द अल्फा इन पी इक्वल्स टू ई ए अल्फा टी? यहां पर अल्फा जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है इनमें से कोई भी नहीं, एक्चुअली में अल्फा जो डिनोट करता है वो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील को डिनोट करता है, रेल को डिनोट करता है। What is the acceptable range TD for 60 kg 90 UTS track in temperature zone 3? तो temperature zone 1, 2 और 3 में सभी रेलों के लिए जो TD range है वो होती है TM से TM plus 5 degree Celsius. What is the initial gap that should be provided at the switch expansion joint for 60 kg rails during laying at TD? जब भी किसी ACJ को डाला जाता है, ले किया जाता है, तो इनिशियल गैप 40 mm रखा जाता है, तो C 40 mm। What speed restriction should be imposed while performing de-stressing without rail tensor and what should be done to the fastening on the alternate sleeper before the traffic block is taken? जब कभी भी de-stressing करना हो बिना रेल टेंसर के, तो ब्लॉक लेने के पूर्व में जो की जाने वाली कार्रवाई है उसमें से कौन सी कार्रवाई निम्न में से सही है? तो यहां पर 30 kmph का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और अल्टरनेट स्लीपर की फास्टनिंग लूज कर दी जाती है। ड्यूरिंग रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑफ द लॉन्ग वेल्डेड रेल ऑन वाइडर स्लीपर्स व्हेन शुड द मेंटेनेंस एक्टिविटी बी कंफर्मड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर TD? जब वाइडर स्लीपर का ट्रैक हो और LWR हो तो उसका मेंटेनेंस जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल स्लीपर के टेम्परेचर से डिफरेंट है, सो यहाँ पर हम TD प्लस 15 डिग्री से लेकर के TD माइनस 30 डिग्री तक वर्किंग कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लीपर स्पेसेस दैट कैन बी ओपेंड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच फॉर अ मैनुअल मेंटेनेंस और सैलो स्क्रीनिंग विद द रिक्वायरमेंट फॉर फुल्ली बॉक्स स्लीपर स्पेसेस लेफ्ट इन बिटवीन एडजेसेंट ओपनिंग? दो ओपनिंग के बीच में कम से कम जब स्लीपर की मेंटेनेंस की जा रही है, सैलो स्क्रीनिंग किया जा रहा है, तो वैसे भी दो ओपनिंग अगर किया गया है तो उनके बीच में कम से कम कितने स्लीपर की पैकिंग होनी चाहिए, एंड दैट इज 30 स्लीपर्स।
यहाँ पर एक और भी बात कही गई है 30 स्लीपर के संबंध में, जो सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लीपर स्पेसेस दैट कैन बी ओपन, यानी कि जब खोलना हो तो उस स्लीपर को कितना खोल सकते हैं। तो ये दोनों में से ही सवाल आता है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लीपर दैट कैन बी ओपन वो भी 30 स्लीपर से है, और दो ओपनिंग के बीच में जो स्लीपर्स को क्लोज करके रखना है वो भी 30 स्लीपर से है। ड्यूरिंग रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस हाउ मेनी स्लीपर्स एट अ टाइम शुड बी रिन्यूड फॉर फास्टिंग दैट डोंट रिक्वायर लिफ्टिंग। अगर लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेल की लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कितने स्लीपर पर हम फिटिंग्स को रिन्यू कर सकते हैं, फास्टनिंग को रिन्यू कर सकते हैं, एंड दैट इज वन स्लीपर। यह सवाल में कि हाउ मेनी स्लीपर एट ए टाइम टू बी रिन्यूड फॉर द फास्टनिंग दैट डोंट रिक्वायर लिफ्टिंग, जब लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो एक स्लीपर बदल सकते हैं, पर कितने में यहां पर क्लियर नहीं है। तो वन स्लीपर आउट ऑफ 15 स्लीपर, यानी कि दो स्लीपर जब खोलेंगे तो दो स्लीपरों के बीच में कम से कम 15 स्लीपर की रहनी चाहिए। ड्यूरिंग डीप स्क्रीनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस बिलो द टेम्पररी डीस्ट्रेसिंग टेम्परेचर में ट्रिगर द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग टू डिटेक्ट और गार्ड अगेंस्ट द रेल फ्रैक्चर। जब कभी भी डीप स्क्रीनिंग की जा रही हो और टेम्पररी डीस्ट्रेसिंग कर दी गई हो, टेम्पररी डीस्ट्रेसिंग करने के बाद उससे कितना टेम्परेचर अगर नीचे चला जाए तो हमें कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एंड दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस बिलो टीडी। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द रिपेयर प्रोसेस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन लॉन्ग वेल्डेड रेल और कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। कितने स्टेप्स में रिपेयर प्रोसेस को, जब भी कभी रेल लॉन्ग वेल्डेड रेल में या CWR में रिपेयर की प्रोसेस की जाती है फ्रैक्चर होने पर, तो उसके में कुल कितने प्रोसेस, कितने स्टेप्स लिए जाते हैं, एंड दैट इज 4 स्टेप्स। इन द एब्सेंस ऑफ ए वेल्डिंग पार्टी हाउ शुड अ फ्रैक्चर इन रेल LWR और CWR बी टेम्पररली रिपेयर्ड। मान लीजिए वेल्डिंग पार्टी उपलब्ध नहीं है और फ्रैक्चर अगर हुआ पड़ा है तो उसको मेंटेनेंस करने में हम टेम्पररी रिपेयर करते हैं, तो टेम्पररी रिपेयर करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, एंड व्हाट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन स्लीपर फास्टनिंग और अल्टरनेट स्लीपर्स आर लूजेंड बिफोर डीस्ट्रेसिंग। कौन सा स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा जबकि स्लीपर फास्टनिंग अल्टरनेट स्लीपर पर लूजन किया गया है डीस्ट्रेसिंग के पीछे में, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, तो दैट इज 30 KMPH। हु इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अ स्टाफ और सुपरवाइजर इन चार्ज ऑफ द वर्क फॉर पैकिंग और रिन्यूअल ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्लीपर दैट डज नॉट रिक्वायर लिफ्टिंग और स्विंग ऑफ द ट्रैक, एंड दैट इज की मैन। What is the breathing length of LWR on PSA sleeper with 60 kg conventional PSA sleeper in temperature zone 3 having sleeper density 1660 and the right answer is 77. What is the maximum design cant allowed on group B route? तो maximum design cant जो group B route पर allowed किया जा सकता है वो है 185 mm. To accommodate a cubic parabola in a transition curve, what is the term used for the amount by which the main circular curve is moved inward? तो जित क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व में जितना हम शिफ्टिंग करते हैं, एंड दैट इज नोन एज शिफ्ट। हाउ शुड सुपर एलिवेशन और कैंट बी इंडिकेटेड ऑन रेलवे ट्रैक स्पेशली रिगार्डिंग इट्स वैल्यू एंड लोकेशन, एंड दैट इज इन साइड फेस ऑफ द वेव ऑफ द इनर रेल। What is the maximum permissible speed on 1.5 symmetrical split with curved switches? तो इसमें स्पीड रखी जाती है 30 KMPH, जब symmetrical नहीं होता है तब रखी जाती है 15 KMPH। And what is the maximum distance outside the toe of the switch where there should be no change of the cant? And that is 20 meters. Thank you for watching this video. We will meet you in the next video.